गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर वस्तु, व्यक्ति या स्थान का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आज मैं संज्ञा चैप्टर का ही जो चैप्टर नंबर 5 है इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मौखिक प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है आपका सोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक आदि। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण हैं गंगा, जयपुर और सोमवार। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब लिखित प्रश्न देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम बोध कराने वाले, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, पंखा, हंसी, बचपन आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखने हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके 3 उदाहरण हैं जापान, गंगा और सोमवार। जातिवाचक संज्ञा लड़की, अध्यापक, गाय। भाववाचक संज्ञा प्रेम, दया और बचपन। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए गंगा, जयपुर, रमेश, जापान, सोमवार आदि। भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन चीज़ों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों और क्रियाओं से भी बनाई जाती है। तो ये तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर थे। अब एक्सरसाइज को देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाँट कर लिखनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मोहन कल जोधपुर जाएगा, तो इसमें आपका मोहन जो है, मोहन और जोधपुर दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप अगर एक भी लिखते हैं तो सही है, आप मोहन भी लिखें तो ठीक है। सुधांशु एक ईमानदार लड़का है। सुधांशु क्या है, नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है, तो जनवरी है। राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, राधा। सीता ने एक साइकिल खरीदी, सीता। मुझे लूडो का खेल पसंद है, लूडो। महाराणा प्रताप एक देशप्रेमी राजा थे, महाराणा प्रताप। वनिता टीवी देख रही है, वनिता, ठीक है। नीचे लिखे शब्द संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं बताइए और उनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अब जैसे गंगा है, तो गंगा किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक की। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो यदि हम इसका वाक्य का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। सत्य किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है, सदा सत्य बोलो। गर्मी भाववाचक संज्ञा में आता है, वाक्य प्रयोग क्या होगा, आज बहुत गर्मी है। रामायण किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, वाक्य प्रयोग क्या होगा, हमने रामायण देखी। अब सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के भेद होते हैं 4, 3, 2 या 5, 3। कमल शब्द क्या है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विशेष फूल के बारे में बताया इसलिए व्यक्तिवाचक। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है, राम, रावण, राम व रावण या मारा, राम व रावण। कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक व व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, वीरता, अकबर, बालक या पेड़, वीरता। अब इधर दिया हुआ है आपका रचनात्मक गतिविधियों में कि हमें 5-5 शब्द लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को बताते हों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए आप सीता, गंगा, जयपुर, चीन और सोमवार। जातिवाचक में आपका लड़की, गाय, किसान, दूध और लोहा। भाववाचक में आपका खुशी, बचपन, दया, सुंदरता और कष्ट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि कुछ छूटता है तो आप देखकर अपने कार्य को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।